हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रियलमी 5 प्रो में जो एंड्रॉयड 11 का अपडेट आया है, अपडेट आने के बाद से रियलमी 5 प्रो का परफॉर्मेंस कैसा है, इसके बैटरी का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है और चार्जिंग में ये कितना टाइम लेता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग फ्री फायर लगभग 1 घंटा खेलेंगे और उसके बाद देखेंगे इसका जो बैटरी है वो कितना ड्रेन होता है, ठीक है। और जो कैमरा में इसका अपडेट आया है एक जूमिंग फीचर का, उसको भी हम देखने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि अपडेट के बाद फोटो कैसा आ रहा है, फोटो की क्वालिटी कैसी आ रही है, वो भी आज की इस वीडियो में देखेंगे फोटो के सैंपल के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल का जो बैटरी है वो 100% चार्ज है। मैं आपको बता दूँ कि 100% चार्ज होने में ये लगभग 1 घंटा 10 मिनट का टाइम लिया था, ठीक है। इसके पहले जब अपडेट नहीं आया था तो उस समय ये लगभग 1 घंटा 25 मिनट या 20 मिनट लेता था, ठीक है। अभी 1 घंटा 10 मिनट में ये फुल चार्ज हो जा रहा है। तो चलिए अब हम इसका बैटरी बैकअप चेक कर लेते हैं। फ्री फायर हम 1 घंटा खेलेंगे, फिर उसके बाद से देखेंगे कितना बैटरी ड्रेन होता है, ठीक है। लेट्स गो। फर्स्ट ब्लड। Double kill. First blood. Double kill. Okay.
तो फ्रेंड्स फाइनली हमने एक घंटा फ्री फायर खेला, फिर उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी ड्रेन जो हुआ है वो 18% हुआ है। ठीक है, 100% था, अभी यहाँ पे 82% आपको दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो मेरा फोन है वो लगभग 1.5 साल पुराना है। 1.5 साल होने के बाद से भी यहाँ पे बैटरी बैकअप आप देख सकते हैं आफ्टर अपडेट हो रहा है। आप अपने अनुसार बताइए कि आपका फोन कितना बैटरी कंज्यूम कर रहा है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। तो अभी हम चलते हैं कैमरा में, देखते हैं कि कौन सा अपडेट आया है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फोटो की क्वालिटी कैसी आ रही है, ठीक है, आफ्टर अपडेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक फोटो सैंपल रखा है, आप देख सकते हैं इस फोटो में, मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इसकी डिटेलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, काफी अच्छी क्वालिटी है इस फोटो की। ये फोटो अपडेट के बाद शूट किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। अपडेट के पहले जो कैमरा का परफॉर्मेंस था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका था। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग में जो स्मूथ जूमिंग फीचर ऐड किया गया था वो कैसा वर्क कर रहा है वो अब देख लेते हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं जूम करने के बाद काफ़ी स्मूथ जूम हो रहा है। पहले जूम हुआ करता था जैसे ये लगता था कि क्रॉप हो रहा है, लेकिन अभी स्मूथ जूम हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपडेट के बाद से ये कुछ बड़े इंप्रूवमेंट थे जो काफ़ी अच्छे लगे मुझे। आपको कैमरा में और बैटरी में ये इंप्रूवमेंट कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो आपको जल्द अपडेट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।